नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले से संबंधित जो आपके फॉर्म्स रीओपन होने वाले हैं वो बहुत जल्द होने वाले हैं, उसका एक नोटिस यहाँ पे निकल के आ चुका है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बना के बता ही दिया था, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए थे कि कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा। और इस नोटिस में साफ साफ दिया गया है दोस्तों कि इस जो भी ये फॉर्म रीओपन होने वाले हैं सभी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। पूरा नोटिस आपको यहाँ पे समझाऊंगा और भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट निकल गई है, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। आपके लिए सुभाष सर लेकर आ रहे हैं एक बिग सरप्राइज, ऐसा ऑफर जिसे सुन के आपके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाएगी, तो चूक ना जाए इस सरप्राइज को सुनने से। इसकी पूरी जानकारी मंगलवार 18 मई शाम 8 बजे लाइव आपको मिलेगी जीके सुभाष चारण यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट से उनके चैनल पर जाएं और बिग सरप्राइज को सुन लीजिए। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा दूंगा जिसमें सारा क्लियर कर रखा है क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको छूट मिलेगी, कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। बिजली विभाग में जो भर्तियाँ निकली थी हर एक पोस्ट के लिए फॉर्म्स रीओपन होंगे, जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा था भर पाएंगे। चलिए पहले नोटिस देख लीजिए, फिर यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पर आपको लास्ट में हर एक चीज़ यहाँ पे समझा दूंगा। तो दोस्तों ये है वो आपका नोटिस प्रेस विज्ञप्ति। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड आर्थिक पिछड़ा वर्ग के नियमों में संशोधन के कारण विद्युत नियमों में निगमों में सीधी भर्ती हेतु आवेदन प्रक्रिया के लिए संशोधित विज्ञप्ति शीघ्र जारी की जाएगी। ये इसकी हेडिंग है, देख लीजिए, जयपुर 18 मई 2021 की न्यूज़ है। राजस्थान में पांचों विद्युत निगमों में सहायक अभियंता कनिष्ठ रसायनज्ञ लेखाधिकारी कार्मिक अधिकारी एवं सूचना सहायक के कुल 1075 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा दिनांक 23-24 फरवरी 2021 को विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर इच्छुक अभ्यर्थियों से 24 फरवरी से 16 मार्च 2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इसी प्रकार बाकी डिटेल दे रखी है कि सहायक कार्मिक अधिकारी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक एवं कनिष्ठ सहायक वाणिज्यिक सहायक सेकंड के 1295 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा भी 23-24 फरवरी 2021 को विज्ञापन जारी कर 2 मार्च से 22 मार्च 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अब इसमें देखिए जो छूट दी गई है वो उसके बारे में बता रखा है कि इस दौरान राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ईडब्ल्यूएस है उनके अभ्यर्थियों को आयु एवं फीस में अन्य आरक्षित वर्गों के समान सीधी भर्ती में छूट देने का निर्णय लिया है तथा उनके अनुरूप राज्य के पाँचों विद्युत निगमों ने भी अपने नियमों में आवश्यक संशोधन किए हैं, यानी कि जो पाँचों कंपनियाँ हैं उनमें संशोधन किया गया है, ऐसा नहीं कि किसी एक कंपनी में किया गया है। प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग श्री दिनेश कुमार ने बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु एवं फीस में उक्त छूट का लाभ प्रदान करने हेतु पांचों विद्युत निगमों में सीधी भर्ती के कुल 2370 पदों पर शीघ्र ही आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी, शीघ्र ही की जाएगी, यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको कोई अच्छी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस के साथ ही ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी विद्यार्थियों के लिए कि ईडब्ल्यूएस के साथ ही आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था अथवा आवेदन कर फीस जमा नहीं कराई थी अब आवेदन कर सकेंगे। तो ये जो आपके डाउट चल रहे थे कि सर ईडब्ल्यूएस के अलावा क्या अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, वो आपके इस लाइन से क्लियर हो जाते हैं कि ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनके अलावा भी, मतलब आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, अगर आपने पहले फॉर्म नहीं भरा था और आप भरना चाहते हो तो आराम से भर सकते हो, सभी के लिए रीओपन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और इन्होंने आगे क्या कह रखा है। तथापि ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है तथा साथ ही फीस भी जमा करा दी थी तो उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि जिन्होंने पहले फॉर्म जमा करा दिया था अब उनको कोई भी चेंजेस उसमें नहीं करने हैं, कोई भी संशोधन नहीं करना है, तो उनको फिर से फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपका पहले से फॉर्म भरा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको फिर से यहाँ पे फॉर्म नहीं भरना है, आप अपनी जो पढ़ाई है उसे जारी रखिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने पूर्व में निर्धारित फीस के अनुसार अधिक राशि जमा कराई है उनको नवीन दर की तुलना में अधिक भुगतान की गई राशि निगमों द्वारा स्वतः ही लौटा दी जाएगी तथा इसके लिए उन्हें पृथक से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ईडब्ल्यूएस के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था, क्योंकि पहले फीस ज़्यादा थी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की, अब फीस कम की गई है तो फीस तो आपने पहले ज़्यादा दे दी थी, अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, तो आपकी फीस आपको लौटा दी जाएगी निगम के द्वारा, आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्म वगैरह नहीं भरना है। ठीक है ना, चलिए
आगे देखते हैं, प्रमुख शासन सचिव ने यह भी बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णयानुसार उक्त सभी पदों हेतु परीक्षा केंद्र केवल राजस्थान राज्य में ही रखे जाएंगे। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों में सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्रों हेतु अनिवार्य रूप से राजस्थान राज्य के शहरों के विकल्प भी लिए गए थे, अतः उन्हें इस बाबत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि आपके जो जो भी एग्ज़ाम सेंटर है, कुछ जो आपने फॉर्म भरे थे उसमें आपसे चॉइस मांगी थी ना कि कुछ आप राजस्थान के सेंटर दो, कुछ राजस्थान के बाहर के दो, तो राजस्थान के बाहर वालों को आप कैंसिल कर दिया है, मतलब बाहर आपका सेंटर नहीं आएगा राजस्थान से, अब सिर्फ राजस्थान के अंदर ही आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा। कोरोना महामारी के मद्देनज़र ये यहाँ पे निर्णय लिया गया है, तो उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है ना, क्योंकि उसमें आपसे राजस्थान के भी कुछ एग्ज़ाम सेंटर मांगे गए थे, तो उन्हीं में से आपको कोई ना कोई सेंटर दे दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको कोई भी आवेदन नहीं करना है। तो ये सारी न्यूज़ निकल के आती है दोस्तों EWS आरक्षण के संबंधित। फॉर्म आपके जल्दी दोबारा से रीओपन होने वाले हैं और सभी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तो अब आपने अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं EWS के अलावा, क्या ये सभी के लिए फॉर्म रीओपन होंगे, हमें थोड़ा डाउट है वो है, तो अब आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आपने नोटिस पूरा देख लिया होगा, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। सम अप करके पूरा का पूरा फिर से समझा देता हूँ। देखिए, जिन भी अभ्यर्थियों ने पहले फॉर्म नहीं भरा था, आराम से इस बार फॉर्म भर पाएंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्म्स रीओपन हो रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी वीडियो में, एक वीडियो बनाया था मैंने पूरा का पूरा, उसमें पूरा डिटेल में समझाया था, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए थे। बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे, सर हमने पहले फॉर्म नहीं भरा था तो क्या सिर्फ EWS वालों के लिए फॉर्म रीओपन होंगे, हमारे लिए नहीं होंगे? तो मैंने ये कहा था कि ये फॉर्म सभी के लिए रीओपन होंगे, ऐसा पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रीओपन नहीं होते हैं, कभी भी फॉर्म सभी के लिए होते हैं। और यही चीज़ इस नोटिस में आपको देखने को मिली है, सभी के लिए फॉर्म रीओपन हो रहे हैं, चाहे आपने पहले भरा हो चाहे ना भरा हो। अगर आपको कोई संशोधन करना हो तो वो भी इस बार कर सकते हो, और फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरा है, फीस के मतलब लेट हो गए थे या जो भी हो गए थे, वो आप आराम से भर पाओगे। और EWS के जो अभ्यर्थी है जिन्होंने पहले ज़्यादा फीस दी हुई थी, उनकी फ़ीस भी रिफंड हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा फीस लगी हुई है वो भी रिफंड हो जाएगी। मतलब इतना तक इन्होंने पूरा का पूरा आपको यहाँ पे छूट दे दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्म आराम से आप, और फॉर्म जल्दी रीओपन होने वाले हैं। अगर नोटिस अभी आया है तो फॉर्म जल्दी रीओपन होने वाले हैं, अभी आपका चल रहा है मई, ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है कि जून में आपके फॉर्म रीओपन हो जाए। देखिए अभी मई में तो क्या है कि कंडीशन थोड़ी सही नहीं है, तो चांसेस बहुत कम है फॉर्म रीओपन होने के, लेकिन मई जून में आपके फॉर्म जो है वो रीओपन हो सकते हैं, चांसेस है। 100% श्योर जून का भी नहीं कह सकते, क्योंकि डिपेंड ऑन कोरोना की कंडीशन है, उस पर डिपेंड करता है ये सभी चीज़ें। तो जैसे जैसे ये सही होती जाएगी, बाकी भी आपके फॉर्म्स रीओपन हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बिजली विभाग में जो कंपनियाँ थी, जो भर्तियाँ थी विद्युत विभाग के अंदर, जितने भी कंपनी हैं उनमें जो भर्ती आई है अलग अलग पोस्ट के लिए, सभी के यहाँ पे रीओपन होने वाले हैं। आराम से फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत की बात आपके लिए यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है? और कोई डाउट है तो पूछ लेना। देखिए फॉर्म रीओपन होंगे, जिन्होंने पहले भर दिया था उनको दोबारा से नहीं भरना है, ये भी इसमें साफ साफ लिख रखा है कि पहले जिन्होंने भर दिया था अगर उनको कोई भी संशोधन नहीं करना है, कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है, मान लो आपने फॉर्म भरा हुआ है पहले से और आपकी कोई भी गलती नहीं है फॉर्म में, और ना आप EWS का कोई लाभ लेना है या कुछ भी और नहीं करना आपको, तो फॉर्म आपको नहीं भरना है दोबारा से, आपके लिए आराम से है, आप आराम से अपनी जो तैयारी है वो इसे जारी रखिए। लेकिन किसी की कोई मिस्टेक हो गई है, किसी कोई लास्ट टाइम ऐसा हो गया, सर्वर डाउन हो गया था, मान लो फीस नहीं भर पाए थे, ऐसा कुछ हो गया था, कोई फॉर्म में गलती हो गई थी, तो वो सभी अब आप सही कर पाओगे। ये चीज़ें इन्होंने अच्छे से पूरी डिटेल में बता दी है। और जिन्होंने नहीं भरा था वो तो वैसे भी भर पाओगे। EWS वाले अभ्यर्थी है जिन्होंने पहले नहीं भरा था वो भी भर पाओगे। EWS के जो अभ्यर्थी है जिन्होंने पहले ज़्यादा फीस दी थी, उनकी जो एक्स्ट्रा फीस इस बार मतलब जो छूट दिया ना फीस में, तो ऊपर वाली जो फीस है वो भी आपकी फीस यहाँ पे रिफंड हो जाएगी। तो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। जल्दी आपके दूसरे जो भर्ती है उनके संबंधित कोई ना कोई नोटिस आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी के फॉर्म्स यहाँ पे रीओपन होंगे हर एक भर्ती के राजस्थान में। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। पर्सनल डाउट पूछना हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप यहाँ पे पूछ सकते हो। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।